देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धंतोली परिसर में एक फ्लैट में भीषण आग, पड़ोसी युवक का सिर फोड़ा, रेल यात्री का मोबाइल चुराने वाला धराया। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नागपुर के धंतोली परिसर में आज सुबह विघ्नहर्ता अपार्टमेंट में एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। इस भीषण आग में फ्लैट के बेडरूम का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल में पहुंचकर आग पर काबू पाया गया, जिससे जनहानि नहीं हुई। नागपुर के धंतोली परिसर के टीकेकर मार्ग पर स्थित विघ्नहर्ता अपार्टमेंट में दूसरी मंजिल पर व्यवसायी मंगेश नांगिया का फ्लैट है। इस फ्लैट में शुक्रवार सुबह एक बेडरूम में अचानक से आग लग गई थी। आग इतनी भीषण हो गई कि रूम में रखा सब सामान जलने लगा। यह देख परिवार के सभी सदस्य जान बचाने के लिए फ्लैट से बाहर निकले और तुरंत दमकल कर्मियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने के काम में लग गई। दूसरी खबर, दोपहिया पार करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक का पड़ोसी ने ईंट से सिर फोड़ डाला। रमानगर न्यू कामठी निवासी विकास धारकर बुधवार की शाम घर के सामने खड़े थे। उसी वक्त विकास का भाई दोपहिया पर आया। वह गेट के भीतर दोपहिया पार करने के लिए जाने लगा। उसी वक्त पड़ोसी अरविंद वैद्य आया। वह एक छोटा रास्ता है, मेरी पत्नी बर्तन धो रही है, यदि तुम्हारे भाई को दोपहिया पलटा कर गेट के भीतर डालनी थी तो उसे हॉर्न बजाना चाहिए था। यह बोलकर विवाद करने लगा। विकास ने उसे गुस्सा नहीं करने की सलाह दी, जिससे आग बबूला होकर अरविंद ने ईंट मारकर विकास का सिर फोड़ डाला। न्यू कामठी पुलिस ने हमले का मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक रेल यात्री का मोबाइल चुराने वाले आरोपी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्टेशन पर बुधवार को गुंटरू आंध्र प्रदेश निवासी मरकापुरम विजया साई एयरफोर्स की परीक्षा देने के लिए आई थी। शाम को वे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग हॉल में ट्रेन के इंतजार में बैठे थे। इस दौरान वे पास बैठे व्यक्ति को बैग पर नजर रखने को कहकर लघु शंका के लिए चली गई। लौटने पर वह व्यक्ति नजर नहीं आया। बैग की तलाशी लेने पर उन्हें मोबाइल नहीं मिला। तुरंत ही उन्होंने रेलवे पुलिस में शिकायत की। रेलवे पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और उससे मोबाइल बरामद किया। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने